चलिए और आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसके पहले हम लोगों ने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था, उसके आगे बढ़ेंगे और एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है कि तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। अगर तीन क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो बहुत ही आसान है इसको देखिए सॉल्व करना लगाना। पहला हो गया 2 4 6, तो 2 4 8 48। तो तीन क्रमागत संभव संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या इसमें 48 क्या है आपकी 48। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सीधा कह रहे हैं तीन क्रमागत संभव संख्या भी ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 23,200 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या 409 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, अब इसको 409 से भाग दिया जाए। अब इसको क्या किया जाए, 409 से भाग दिया जाए। अगर हम 409 से 23,200 में भाग देंगे, 23,200 में भाग देंगे तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा मिसाल किया जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा आपका, साल कितने पे है ये, 296 शेषफल। कितना आएगा, 296 शेषफल आएगा। कितना आएगा, 296 शेषफल आएगा। अब कह रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या, अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 113। अगर 409 माइनस 296 करेंगे 113 होगा। कैसे होगा एक बार आपको और दोबारा समझा दें, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 23,200 सॉल्व करते इसको, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कह रहा है कि 23,200 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए को इस प्रकार प्राप्त संख्या 409 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले अगर हम 409 से 23,200 में भाग देंगे तो देखो एक कुछ भागफल आएगा, लेकिन शेषफल आएगा, शेषफल इसका आएगा 296। अगर इसमें 296 घटा देंगे तो जब जब इस संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अगर हमें अंतर निकालना हो कितना इसमें जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 409 में से 296 ये हो जाएगा 113। जब हम इसमें 113 ऐड कर देंगे, ठीक 113, तो जब भी 409 से हम भाग देंगे ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसलिए इसका उत्तर कितना है, डी। इसका उत्तर क्या होगा, डी। ठीक, इस तरह के प्रश्नों को आप समझ लीजिएगा कैसे सॉल्व होता है। देखिए अब अगला जो प्रश्न है ये आप पहले से जानते, कह रहा है कि 43,901 में 9 के स्थानीय मान तथा जाति मान में क्या अंतर होगा। देखिए 9 यहाँ है, तो 9 का अगर स्थानीय मान याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900। जातिमान, देखिए स्थानीयमान जो होता है, देखिए 9 के बाद 2 अंक है, 20। जातिमान स्वयं संख्या होती है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 800। का उत्तर क्या होगा, सी। उत्तर क्या है इसका, सी। अब अगला प्रश्न देख लिया जाए, कह रहा है कि यदि ए एक विषम संख्या है, बी एक सम संख्या है, सी एक विषम संख्या है, ए बी सी क्या होगा। ए एक विषम संख्या माना क्या है, ये तीन, बी एक सम संख्या है, दो, सी एक विषम संख्या है, पाँच। 3, 2, 5 और 5, 10 क्या होगी, एक सम संख्या होगी। ठीक, क्या होगी, एक सम संख्या होगी। क्या होगी, एक सम संख्या, क्या है, एक सम संख्या। ठीक, ये सम संख्या होगी। इस पर इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, इसका उत्तर बी, बी माने एक सम संख्या होगा। ठीक है, वो दिक्कत की 10 सम संख्या होगी। आगे बढ़े, ये अगला प्रश्न है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या, तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 हो गया, 2 × 3 6,
तीन गुणे पाँच 15, माने दो आभास संख्याओं का जो गुणनफल होगा सदैव विषम संख्या होगी या सदैव भाज्य संख्या होगी। ठीक, अब यह थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो जाएगा कि यहाँ पे क्या उत्तर सही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सही है, यहाँ पे विषम संख्या और भाज्य संख्या दोनों। कारण इसका क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम है, केवल दो को छोड़कर, इसलिए यहाँ पे एक भाज्य संख्या और एक विषम संख्या दोनों होगा। क्या होगा, दोनों यहाँ पर होगा। ठीक, अब माने रखता दोनों विकल्प में क्या है, विषम विषम, भाज्य तो भाज्य, दो भाज संख्या गुणनफल, दो भाज संख्या दो तीन की बात की दो सम है, दो का गुणा जिस अभाज संख्या में करेंगे वो सदैव सम संख्या आएगा, क्योंकि सम संख्या गुणा विषम संख्या करते सदैव सम संख्या आती है, उस प्रकार ये विषम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। ठीक, अगर सम गुणे विषम करते हैं तो सम संख्या आती है, तो विषम की बात कर रहा है, विषम उसके अलावा कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 7 लिया, 11 लिया, 17, लेकिन जब दो को सम्मिलित कर लेंगे तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, भाज्य संख्या, अगर विकल्प में दिया है तो भाज्य संख्या होगा। ठीक, ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 घात 32 प्लस एक ऐसी संख्या जो 641 से पूर्णतः विभाजित हो तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 641 से पूर्णतः विभाज्य होगी, बताइए आप लोग कौन संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने भी ये देख लिया था कि दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल सदैव भाज्य संख्या होती है, क्या होती है, सदैव भाज्य संख्या होती है, नहीं दिया है तो विषम संख्या लगाएंगे, ये सदैव भाज्य संख्या होती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमने देखा कि कह रहा है कि यदि 2 घात 32 प्लस एक ऐसी संख्या है जो 641 से पूर्णतः विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 641 से पूर्णतः विभाजित होगी, बहुत ही आसान है। देखिए अब इससे विभाजित है माने इसका जो गुणज होगा वह उससे विभाजित होगी, गुणज मतलब अगर मैं यहाँ ये कर दें कि 2 घात 32 का घात 2 प्लस 1 घात 2 की हो जाएगा 2 घात 64 प्लस 1 नहीं कटा, अब यही लिख देंगे 2 घात 32 पूरे घात 3 प्लस 1 घात 3 तो हो जाएगा 2 घात 96 प्लस 1, इसका मतलब विकल्प बी, ये इसका उत्तर सही, इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक, ये एक ट्रिक है पढ़ने के लिए, कई तरीके के पूरे ट्रिकी तरीका है, इसे आप आसानी से पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत या कोई समस्या, आगे बढ़ा दें, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला प्रश्न, किसी विषम संख्या का वर्ग होगा, किसी विषम संख्या का वर्ग होगा, अगर विषम संख्या वर्ग की अगर हम बात करते हैं, देखिए विषम संख्या क्या होती है, जैसे दे दिया 17 का स्क्वायर 279, 15 का स्क्वायर 200, देखिए विषम संख्या आ रही है, 23 का स्क्वायर 529, देख रहे एक विषम संख्या ही आ रही है, 31 का स्क्वायर 961, 49 का स्क्वायर 2400, मतलब किसी भी संख्या अगर स्क्वायर लेते हैं 27 का अगर ले लिया जाए तो 729, मैंने किसी संख्या अगर स्क्वायर की बात करें विषम संख्या का, उसका वर्ग सदैव विषम संख्या ही होगा। ठीक, इसका विकल्प क्या है, ए सही, कोई समस्या यहाँ तक। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 15 है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए संख्या 3 के वर्ग से बढ़ जाती है, 3 के वर्ग माने 9 बढ़ जाती है, इसको विकल्प लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा आसान। देखिए कह रहे हैं, पहले देखते किसकी किसकी अंकों का योग 15 है, 9, 6, 15, 8, 7, 15, 9, 6, 15, 8, 7, 15, अब उनके अंकों को उलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा ये 96, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96, इसको घटाएंगे 96 में से कितना जाएगा, 6 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 हो गया 7, और फिर 3 हो जाएगा यहाँ 23, नहीं घटा, 87 है इसको पलट देंगे 78, घटाएंगे कितना आएगा 11, नहीं होगा, 96 है इसको करेंगे 69, 23 नहीं होगा, 78 को पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 78 पलटेगा तो 87 होगा, 78 से 87, और यहाँ कितना था 87 से
अठहत्तर, 87 से अगर 78 की बात करेंगे, 87 पलटेगा तो 78 हो जाएगा, 78 मतलब यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है 11, तो उत्तर क्या होगा आपका 9, क्योंकि वर्ब हो जाएगा, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा बी, बी माने 87, बी माने क्या होगी 87, ठीक। तो 87 सॉरी कह रहा है, तो वह संख्या संख्या तो क्या होगी 78 से बड़ा 87 हुआ, ठीक। तो बस को सॉल्व करके पूरा कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा दोबारा देखिए, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जो 15-15 सभी का है, इस संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, संख्या 3 से वर्ग बढ़ जाती है। देखिए अगर 69 को पलट दिया जाए तो हो जाएगा 96, तो बढ़ गया कितना 23 बढ़ी, ये 87 है, अगर इसको पलट दिए 78, ये संख्या कम हो गई, बढ़ी नहीं कम हो गई, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आ रहा है 96 है, 69 क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है, और यहाँ पे 23, यहाँ पे क्या घटी है, 78 को बदल देंगे क्या हो जाएगा 87, 87 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 78 में 87 घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस नौ माइनस नौ, कह रहा 3 के वर्ग बढ़ जाती है, इसका उत्तर क्या होगा 78, माने वह दो अंकों का योग 15 होगा, और उनके अंकों को भी पलट दिया जाए तो दी गई संख्या से कितना 9 अधिक होगा, यहाँ भी है लेकिन 9 अंतर है, ये माइनस एक प्लस, ये आपका उत्तर 78 होगा, सॉरी 87 नहीं होगा 78 होगा, ठीक। इसका उत्तर कितना होगा 78, ये विकल्प लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। कह रहा है कि इतने को वैज्ञानिक पद्धति में व्यक्त करने पर इसका मान, देखिए तरीके मैंने बता दिया, यहाँ 5 है, एक में दशमलव लगाएंगे, 5 लिख दिया हमने, दशमलव एक गुणे कई जीरो है 3, 3, 6, दो अंक ये दशमलव लगाए 8, 10 घटे 5 दिया, विकल्प विकल्प क्या आपका 20 है, एकदम आसान तरीका है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया गया, यदि भाजक भाग फल का 12 गुना है तो शेषफल 5 गुना शेषफल अधिक, तो भाज्य क्या होगा, कह रहा है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, क्या कहता है भाग दिया जाता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि यदि भाजक भाग फल का 12 गुना तो शेषफल का 5 गुना तो शेषफल क्या होगा, सबसे पहले क्या मानेंगे भाजक क्या है, भाजक भाजक जो है भागफल का 12 गुना शेषफल का 5 गुना, शेषफल का क्या गुना है 5 गुना, शेषफल कितना है 5 गुना, ठीक। अब यदि शेषफल 48 हो, 48 गुणे 5, तो भाजक कितना हो गया, 48 गुणे 5 करेंगे 240, 48 बचे 240, इसका भाजक कितना निकल गया 240, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैंने भाजक प्राप्त हो गया 204। फिर आगे कह रहा है भाजक जो है भागफल का 12 गुना, भाजक भागफल का 12 गुना है, इसका भाजक भागफल का 12 गुना, मतलब अगर हम यहां लिखें पेन पतला कर लिया जाए, मतलब अगर यहाँ पे हम लिखते भाजक बराबर 12 गुणे भागफल, ठीक। भागफल कितना है, भागफल नहीं पता, भागफल बराबर भाजक यहाँ गुणे में इधर आएगा, भागफल निकाला है बट्टे में इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा भाजक का मान कितना है 240। यहाँ पे बहुत आसान तरीका लगा देते हैं हम लोग, देखिए अब यहाँ पे एक तरीका हम ये लगाते हैं, अच्छी कर देंगे उसको हटा दें, अब यहाँ पे भाजक कितना है आपका 240, ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में बराबर भाग, 12 का 12 भाजक 2, तो भागफल कितना हो गया, भागफल बराबर 20, 12 का 12 भाजक 20 हो गया, तो भागफल कितना हो गया 20। अब हम भाज्य पूछ रहा है, तो हमें जानते हैं एल्गोरिथम का एक क्रम होता है,
भाज बराबर भाज गुड़े भाजक गुड़े इसे दूसरी पेन ले लिया जाए भाजक गुड़े भागफल धन शेष फल। तो भाजक कितना था 240, भागफल 20, शेष फल 48। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4848। ये क्यों हो जाएगा, ये गुड़ा है ये हो जाएगा 4800 प्लस 48। इसका उत्तर क्या होगा आपका, कुछ नहीं करा, एक संख्या दूसरी संख्या से भाग दिया गया। यदि भाजक भागफल का 12 गुना था, शेषफल का 5 गुना, तो भाजक बराबर शेषफल का 5, शेषफल गुणे 5, यदि शेषफल 5 हो 48 गुणे 5 240, भाजक निकल गया कितना, भाजक निकल गया आपका 240। फिर कह रहा है भाजक भागफल का 12 गुना है, 12 गुणे भागफल बराबर भाजक, भाजक 240 निकले, इधर गुणे में था इधर बटे में, 240 बटे 12 करेंगे तो भागफल कितना आ गया 20। फिर रख देंगे एल्गोरिथम पर में भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 4848। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न को समझ लीजिए कि एल्गोरिथम का प्रमेय था। ठीक, और यह नोट्स में दिया गया प्रश्न था जिसको हमने पूरी तरह सॉल्व करा दिया, जिन्होंने नोट्स लिया तो हम तक ही पहुँच जाएंगे, जिन्होंने नहीं भी लिया था वो भी देख इस प्रश्न को पूरी तरह से देख लें। ठीक, यदि फिर कोई समस्या आ जाती है हमें जरूर बताएंगे, अवगत कराएंगे ताकि हम उस तरह से और आगे बढ़ सकें। ठीक, ये संख्या पद्धति के प्रश्न है, और फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लास या नोट्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए 6306344367 या इस पर आप WhatsApp, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप WhatsApp करके जानकारी अलग से इस वीडियो को शेयर करके सभी साथियों तक पहुँचा दीजिएगा, ताकि जो साथी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो साथी भी जुड़ जाएं और अपना बेहतर दे सकें। और इसी साथ आप सभी को जय हिंद जय भारत। इधर 10 की स्लाइड देंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा आपको भी पढ़ना, हमें भी पढ़ने में पढ़ाने में। ठीक है, तो बस जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ।